हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास पाइसेस। एज द नेम इंडिकेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास पाइसेस आर दैट इज फिशेस। पाइसेस मीन्स फिशेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास पाइसेस दैट इज द फिशेस। फिशेस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। All of the fishes which are found in the world, they have been classified into three categories. वो समस्त मछलियाँ जो इस संसार में पाई जाती हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कौन है? सुपर क्लास पाइसेस हैज बीन क्लासीफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन एज एन सुपर क्लास पाइसेस, क्लास नंबर वन कॉन्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस मीन्स दैट कार्टिलेजिनस फिशेस। It means that those fishes, their endoskeleton is made up of cartilage. Super class fishes, चूँकि ये super class है इसलिए इसको तीन class में बांटा गया है। Chondrichthyes के अंतर्गत ऐसी fishes आती हैं जिनका अंतः कंकाल cartilage का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। So the first class that is the Chondrichthyes, that is known as cartilaginous fish. इट इज़ ए सच काइंड ऑफ फिशेस इन विच द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सेकेंड वन इज द ऑस्टिक्थिस, दैट इज नोन एज बोनी फिशेस। इसके अंतर्गत ऐसी मछलियाँ आती हैं इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। प्लेकोडर्मी है, फर्स्ट जाड फिशेस थी। इसकी सभी ऑर्गेनिज्म सिक्सटिनेक्ट हैं। तो हम इसमें दो मेजर क्लास की बात करेंगे। एक की बात करेंगे कॉन्ट्रिक्थिस की, दूसरी हम ऑस्टिक्थिस की। क्योंकि इसके सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिनिक्ट हैं तो हम दो मेजर क्लासेस कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस का डिस्कशन करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ सुपर क्लास पाइसेस। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रिक्थिस हियर। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर द कॉन्ट्रिक्थिस इन डिटेल। अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रिक्थिस की चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रिक्थिस की बात करेंगे। कॉन्ट्रिक्थिस माने कार्टिलेजिनस फिश, एज द नेम इंडिकेटेड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस, जैसा कि हमने बताया, इसके पहले एक्सप्लेन किया, सुपर क्लास पाइसेस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द कॉन्ट्रिक्थिस, सेकेंड वन इज द ऑस्टिक्थिस एंड थर्ड विल बी प्लेकोडर्मी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रिक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिश। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रकार के क्लास की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रिक्थिस। इट इज ए सच काइंड ऑफ फिशेस इन हुई देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एज द नेम इंडिकेटेड, ग्रीक कॉन्ट्रास बराबर कार्टिलेज। इक्थिस मीन्स फिश। इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्मो ब्रांकाई। ग्रीक भाषा में इलास्म बराबर होता है प्लेट, ब्रांकाई बराबर गिल। इसके अंतर्गत आती हैं सार्क, रेज, स्केट एंड काइमेरा। तो क्लास कॉन्ट्रिक्थिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। जो क्लास कॉन्ट्रिक्थिस है वो दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लास फर्स्ट है सिलेची और सब क्लास सेकंड है होलोसिफेली। तो जो सब क्लास फर्स्ट सिलेची है, ग्रीक भाषा में सिलेचास बराबर सार्क। इसमें पेयर्ड फिन जो होते हैं विदाउट एक्सिस, जो जोड़े में फिन होते हैं इसमें कोई एक्सेस नहीं पाई जाती है। करेक्टर की बात करते हैं, सब क्लास सिलेची के करेक्टर्स हैं। सेकंड करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ स्पाइरेकिल बिहाइंड ईच आई। प्रेजेंस ऑफ माने पाया जाना, स्पाइरेकिल माने नासा द्वार, बिहाइंड माने पीछे, ईच आई माने प्रत्येक आँख के, प्रत्येक आँख के पीछे नासा द्वार पाया जाता है। क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका इज द कॉमन अपर्चर फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव वेस्ट। क्लोएका एक कॉमन अपर्चर होता है जिस रास्ते से उत्सर्जी और प्रजनन तंत्र एक ही रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं, दैट इज नोन एज क्लोएका। मेल विथ क्लैस्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नर होते हैं उसमें क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। क्लैस्पर इज नोन एज हेमिपेनिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव अंग को जो है इंडिकेट करता है। टेल जो है हेट्रोसर्कल होती है विथ लार्ज लोब। हेट्रोसर्कल का मतलब होता है जो पूंछ होती है उसमें दो लोब होते हैं, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए किसी फिशेस की ये टेल है,
एक वो छोटी होगी एक बड़ी होगी, ऐसे होगा ठीक है। ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसको कहते हैं हेट्रो सर्कल ठीक है। ये हेट्रो सर्कल हो जाएगी, हेट्रो सर्कल ये हो जाएगी हेट्रो। हेट्रो मीन्स होता है बड़ा, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, हेट्रो सर्कल ठीक है ना। इसके दोनों एक छोटा एक बड़ा हो गया। सब क्लास सिलैची है। ग्रीक भाषा में होलास बराबर इंटायर, कि फैलास बराबर हेड। कुल मिला करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ द फिशेज, दैट इज द कॉन्ड्रिक्थिस। चूंकि संपूर्ण मत्स्य को, संपूर्ण मछलियों को तीन क्लासेस में बांट दिया गया है, सुपर क्लास पाइसेस को तीन क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का दूसरा नाम है कार्टिलेजिनस फिशेस। ऐसी अस्थियाँ, ऐसी मछलियाँ सॉरी, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, उन कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, उन्हें को कॉन्ड्रिक्थिस भी कहते हैं, उन्हीं को इलास्मोब्रांकाई भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सार्क, रेज, स्केट और काइमेरा आती है। कॉन्ड्रिक्थिस में दो सुपर सब क्लास हैं, पहला है सिलेची और दूसरा है होलोसिफेली। इसके करेक्टर्स मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस द करेक्टर्स वन बाई वन। उसके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए अब जो है सब क्लास फर्स्ट है, सब क्लास फर्स्ट सिलेची है। इट हैज टू ऑर्डर। सब क्लास सिलेची के दो ऑर्डर हैं। ऑर्डर फर्स्ट है स्क्वेली फार्म्स, ऐसे कहते हैं प्लूरोनेक्टी फार्म्स, सॉरी प्लूरोट्रीमेटा भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लूरा बराबर होता है साइड और ट्रीमा बराबर ओपनिंग। कुल मिलाकर के इसमें प्लूरोट्रीमेटा के अंतर्गत या स्क्वेली फार्म के अंतर्गत बगल में ओपनिंग पाई जाती है। गिल्सलेट्स जो होते हैं 5 to 7 पेयर होते हैं। स्पाइरिकल माने नासा द्वार जो होते हैं स्मॉल होते हैं। पूंछ जो होती है हेट्रो सर्कल होती है। हेट्रो सर्कल का मतलब जो जो टेल होती है दो ब्रांच में डिवाइड होती है, एक अगर छोटी होगी एक एक बड़ी, तो इसको हेट्रो सर्कल कहेंगे। एग्जाम्पल है ट्रू सार्क, इसके अंतर्गत लगभग 2250 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल है डॉग फिशेस, इसको स्कालियोडान भी कहते हैं ठीक है। तो सब क्लास सिलैची में दो आर्डर हैं, पहला है स्क्वेली फार्म, दूसरा है राजी फार्म। क्योंकि उधर मैंने दो सब क्लास बताया था, एक को मैंने बताया था सिलैची, दूसरा को बताया था होलोसिफेली। तो फर्स्ट क्लास जो सब क्लास फर्स्ट है सिलैची, इसमें दो आर्डर हैं। आर्डर फर्स्ट हो गया, आर्डर सेकेंड है राजी फार्म। एग्जाम्पल डॉग फिशेस हो गया, इसको हैमर हेडेड सार्क भी कहते हैं, जिग्निया या स्प्राइनिया भी कहते हैं। व्हेल सार्क आता है, इसमें राइनोडर्मा है क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल इन द एनिमल किंगडम। तो हेल सार्क राइनोडर्मा जो है, जो इसका जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल है एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में दूसरी पोजीशन पर है, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल है हेल सार्क, जिसका नाम है राइनोडान। ये भी आती है किस में, स्क्वेली फार्म में या प्लूरोट्रीमेटा में। आगे है नेक्स्ट जो है इसके बाद होलोसिफेली है। होलोसिफेली में आप देख रहे हैं, नाउ यू कैन नोटेड हियर अंडर द हेडिंग ऑफ होलोसिफेली। सब क्लास सेकंड है होलोसिफेली। इसमें सिंगल गिल ओपनिंग ऑन आइदर साइड, इसमें एक ही गिल ओपनिंग होती है, सिंगल गिल ओपनिंग ऑन आइदर साइड कवर्ड बाई ए फ्लेसी अपरकुलम। इसमें एक गिल ओपनिंग होती है आइदर साइड, माने या तो बाएं या तो दाएं, तो एक ही गिल ओपनिंग होती है और वह एक फ्लेसी माने गूदेदार, अपरकुलम माने होता है लिड या ढक्कन, गिल को ढकने के लिए जो कवर होती है उसे कहते हैं अपरकुलम। गिल को कवर करने के लिए जो फ्लेसी कवरिंग होती है उसी को अपरकुलम कहते हैं, इसे कहते हैं गिल का ढक्कन। तो एक ही गिल ओपनिंग होती है, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, और उसको जो है एक गूदेदार अपरकुलम की यानी लिड लिड से ढकी रहती है। अपरकुलम मीन्स होता है गिल का ढक्कन यानी लिड। नो स्केल, कोई स्केल नहीं पाई जाती है। स्पाइरिकल माने नासा द्वार एंड क्लोएका भी नहीं पाए जाते हैं। नो स्केल, स्पाइरिकल एंड क्लोएका ठीक है।
लड़का भी नहीं होते हैं। मेल विथ क्लैस्पर, मेल विथ क्लैस्पर होता है। सिफेलिक क्लैस्पर ऑन द हेड ऑफ मेल, सिर में पाए जाने वाले जो क्लैस्पर होते हैं वह नर के सिर में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं रेड फेसिस काइमेरा, इसमें अपरकुलम फाउंड पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद हम बोनी फेसिस का आगे डिटेल करेंगे क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोनी फेसिस इन द नेक्स्ट। ये हो गया कंप्लीट कार्टिलेजिनस फेसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बोनी फेसिस इन डिटेल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टिक्थिस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टिक्थिस मीन्स बोनी फेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्टर। अब हम बोनी फेसिस की बात करेंगे। दो फेसिस दियर इंडो स्केलेटन इज मेडअप ऑफ बोन। ठीक, ऐसी फेसिस इनका अंतर कंकाल बोन का बना होता है। देखिए इसको काट दीजिए। ग्रीक भाषा में ऑस्टियान बराबर होता है बोन, इक्थिस बराबर फिश। सो ऑस्टिक्थिस आर ए काइंड ऑफ फिशेस, दियर इंडो स्केलेटन इज मेडअप ऑफ बोन। तो ऑस्टिक्थिस ऐसी फिशेस होती हैं जिनका अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। द क्लास ऑस्टिक्थिस इंक्लूड्स ए लार्ज असेंबलेज ऑफ बोनी फिशेस। क्लास इक्थिस के अंतर्गत, क्लास ऑस्टिक्थिस इंक्लूड्स का मतलब है क्लास ऑस्टिक्थिस के अंतर्गत लार्ज माने लंबा या बहुत ज़्यादा, असेंबलेज माने इकट्ठा होना। इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा, कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा संख्या में बोनी फेसेस पाई जाती हैं। करेक्टर्स क्या है? इनहेबिट ऑल टाइप ऑफ वाटर, फ्रेश ब्रैकिस साल्ट वार्म आर कोल्ड। जितनी भी बोनी फेसेस होती हैं, जितनी भी ऐसी फिशेस जिनका इंडोस्केलेटन बोन का बना होता है उनको बोनी फिशेस कहते हैं। ऐसी बोनी फिशेस जो इनहेबिट माने निवास करती हैं ऑल टाइप ऑफ वाटर में, सभी प्रकार के पानी में। ऐसी फिशेस जो होती हैं वो सभी प्रकार के वाटर में निवास करती हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिस माने खारा जल हो। ब्रैकिस वाटर का मतलब जहाँ जहाँ फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों मिलते हैं उस वाटर को ब्रैकिस वाटर कहते हैं। साल्ट वाटर समुद्र के पानी में, वार्म माने गर्म पानी में अथवा कोल्ड माने ठंडे पानी में पाई जाती हैं। बॉडी स्पिंडल होती है, स्पिंडल माने होता है स्पिंडल शेप्ड आर स्ट्रीम लाइंड। स्पिंडल शेप्ड का मतलब तुर्क रूपी, इससे साइकिल का धुरा होता है। कुल मिलाकर के बीच में चौड़ा, बीच में मोटा होता है, दोनों किनारे पतले होते हैं, उनको कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। स्ट्रीम लाइंड माने होता है, स्ट्रीम माने धारा या रेखा, लाइन स्ट्रीम लाइन माने होता है धारीदार या रेखादार। फिन बोथ मीडियन एंड पेयर्ड सपोर्टेड बाय फिनरीज ऑफ कार्टिलेज। फिन माने होता है, फिन इज द लोकोमोटरी ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द फिशेस। फिन जो है गमनांग होते हैं, चलने फिरने के अंग होते हैं जो मछलियों में तैरने में मदद करते हैं। तो दोनों मीडियन और पेयर्ड फिन जो होती है, दोनों होती हैं। मीडियन माने मध्य में भी पाई जाती है एंड पेयर्ड माने जोड़े में होती है। और इस फिन के बीच पाई जाती है फिनरेज। फिनरेज माने होता है फिन के बीच में एक पतली पतली लाइनिंग होती है, इसको फिनरेज कहते हैं, जो कार्टिलेज की बनी होती है अथवा बोन की बनी होती है। तो कुल मिलाकर के फिन जो है मीडियन होती है, मध्य में पाई जाती है, जोड़े में होती है और फिन को सपोर्ट करती है फिनरेज। ठीक है, तो जो फिनरेज होती है तो कार्टिलेज की होगी या तो बोन की होगी। टेल प्रायः होमोसर्कल होती है, यानी जो टेल के दोनों लिम्ब्स होते हैं, टेल के जो दोनों बाहर निकले रहते हैं, ये जो जिसे मान लीजिए टेल है, दोनों समान रहेंगे, ऐसे दोनों इक्वल रहेंगे। आगे है नेक्स्ट। स्किन विथ मेनी म्यूकस ग्लैंड, त्वचा में बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। त्वचा के ऊपर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड का मतलब होता है जो ऐसी ग्रंथियां जिससे लिसलिसा और चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, उसको म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। यूजुअली एम्बेडेड इन डर्मल स्केल, प्रायः डर्मल स्केल के नीचे जो है पाई जाती हैं। तीन तरह की होती हैं स्केल, गैनोइड, साइक्लोइड और टेनोइड। सम फिशेस विदाउट स्केल, कुछ मछलियों में स्केल नहीं पाई जाती हैं। नो प्लैक्वाइड स्केल, कोई भी प्लैक्वाइड स्केल नहीं होती है। प्लैक्वाइड स्केल इज मोस्टली फाउंड इन द कार्टिलेजिनस फिशेस। तो जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें तीन प्रकार की मुख्यतः स्केल होती है, गैनोइड, साइक्लोइड और टेनोइड। इंडोस्केलेटन चिफली बोनी, इंडोस्केलेटन मुख्यतः बोन का बना होता है। पेल्विक ग्रैडिल यूजुअली स्मॉल, पेल्विक ग्रैडिल जो है
वो प्रायः जो होता है छोटा होता है, पेल्विक ग्रैंडिस का मतलब होता है सूर्ण मेखला, सिंपल होता है अथवा एब्सेंट होता है, क्लैश पर एब्सेंट होते हैं। माउथ टर्मिनल और सब टर्मिनल, माउथ जो है टर्मिनल माने अंत संबंधी, यानी माउथ के बाद जो है बॉडी जो है ख़त्म हो जाती है। सब टर्मिनल माने होता है उसकी थोड़ा आगे जा करके ख़त्म हो जाती है। जाज यूजुअली विथ टीथ, जबड़े के अंदर प्रायः दांत पाए जाते हैं। क्लोएका एब्सेंट, क्लोएका नहीं पाई जाती है, एनस प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन बाय गिल्स, श्वसन त्वचा, श्वसन जो होता है गिल के द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा होता है। फोर पेयर्स ऑफ गिल्स ऑन बोनी गिल आर्च, चार जोड़ी गिल जो होते हैं अस्थियों के बने हुए आर्च माने होता है कर्व लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जो कि ढके होते हैं अपरकुलम के द्वारा। मैंने पहले ही बताया गिल को ढकने का जो ढक्कन होता है उसको अपरकुलम कहते हैं, ऑन आइदर साइड माने बगल में। एन एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर ऑफन प्रेजेंट विथ आर विदाउट, तो एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर जो है ऑफन प्रेजेंट माने ये भी पाया जाता है, इसके अंदर गैसेज जो है स्टोर रहती हैं फिश के अंदर। तो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर जो होता है ये भी बोनी फिशेस के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर गैसेस स्टोर रहती हैं। लंग्स लाइक इन सम, कुछ मछलियों में जो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर होता है वह लंग्स की तरह दिखाई देता है, फेफड़े की तरह होता है, जैसे कि डिप्नोई में। ठीक है, डिप्नोई में जो एयर ब्लैडर होता है वो लंग्स लाइक होता है, इसलिए कहते हैं इसको लंग फिशेस भी कहते हैं। वेंट्रल हर्ट, हर्ट जो है वेंट्रल साइड में होता है। वेंट्रल हर्ट का मतलब हर्ट जो है वेंट्रल साइड में होता है, टू चेम्बर्ड होता है, दो कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, एक आरिकल और एक वेंट्रिकल। अगला है साइनस विनोसस एंड कूनस आर्टेरियोसस, ये भी हर्ट के ही पार्ट हैं, दोनों जो होते हैं पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रिथ्रोसाइट जो होती है आरबीसी ओवल होती है, अंडाकार होती है, न्यूक्लिएटेड माने केंद्रक युक्त होती है। टेम्परेचर वेरिएबल होता है, तापमान घटता और बढ़ता रहता है, तो पैक्लियोथर्मिक कहते हैं। पैक्लियो माने होता है चेंज, थर्मास बराबर होता है टेम्परेचर, तो ऑर्गेनिज्म दियर बॉडी टेम्परेचर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, दे आर नोन एज पैक्लियोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। एडल्ट किडनी जो है मीजोनेफ्रिक होती है, मध्य लेवल की होती है, एक्सक्रीशन यूरियोटिलिक होता है और क्रैनियल नर्व होती है 10 जोड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस बी मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी तो एस्टिक्स कैरेक्टर्स चल रहे हैं। अगला है लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड। लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब बगल में जो मछलियों के बगल में जो लाइन सीधा जो है इंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर जो पाई जाती है, अगर आप फिश में देखें तो एक लाइन जो होती है वो इंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर जाती है, उसको कहते हैं लेटरल लाइन। बहुत अच्छे ढंग से विकसित होती है। इंटरनल ईयर विथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, आंतरिक कर्ण के अंदर 3 जो होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। सेमी सर्कुलर कैनाल का मतलब होता है 3 अर्ध चक्राकार नलिकाएँ, अर्ध चक्राकार कैनाल यानी नलिकाएँ पाई जाती हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं, लिंग अलग होते हैं। गोनाइट्स माने होता है जनद, टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं पेयर्ड माने जोड़े में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, निषेचन प्रायः बाह्य होता है, मोस्टली माने ज़्यादातर जो होता है ओविपेरस होती हैं। ज़्यादातर जो बोनी फिशेस होती हैं, ज़्यादातर बोनी फिशेस जो होती हैं ओविपेरस यानी एग लेइंग होती हैं। रेयरली ओविपेरस, बहुत कम ही मछली होती है जो अंडे और बच्चे एक साथ देती है। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। रेयरली विथ मेटामार्कोसिस, बहुत कम केसों में मेटामार्कोसिस यानी कायांतरण पाया जाता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लास ऑस्टिक्थिस, चूँकि फर्स्ट क्लास था कॉन्ट्रिक्थिस या कन्नी कॉर्टिलेजिनस फिश, सेकेंड क्लास है ऑस्टिक्थिस, इसको हम बोनी फिशेस भी कहते हैं। तो जितनी भी बोनी फिशेस होती हैं इनको 2 सब क्लास में बांटा गया है। क्लास ऑस्टिक्थिस, ब्रैकेट में लिखा है बोनी फिशेस, इसका मतलब है ऑल द बोनी फिशेस दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द क्लास ऑस्टिक्थिस, मीन्स इट इज ए सच काइंड ऑफ फिशेस इन हुई दियर एंडो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। इसके अंतर्गत वो समस्त मछलियाँ आती हैं जिसका अंतः कंकाल बोन से बना होता है। तो जितनी भी बोनी फिशेस होती हैं वो ऑस्टिक्थिस में पाई जाती हैं। इनको 2 सब क्लास में बांटा गया है। सब क्लास फर्स्ट है सार्कोपटेरगी, सब क्लास सेकेंड है एक्टिनोपटेरगी। सब क्लास फर्स्ट सार्कोपटेरगी का करेक्टर है पेयर्ड फिन इज लेग लाइक,
जोड़े में जो फिन पाए जाते हैं वो पैर जैसे होते हैं अथवा लोब्ड लाइक होते हैं, पिंड या उभार जैसे होते हैं। अब हम फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, सब क्लास फर्स्ट, इसका नाम है सार्कोप्टेरिकी। डार्सल फिन टू, पृष्ठ सतह पे पाई जाने वाली जो फिन होती है दो होती है। कार्डल फिन जो है हेट्रोसर्कल होती है, यानी दोनों लोब जो होते हैं असमान होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब, सूंघने वाले जो लोब यानी पिंड होते हैं। आर सेक्स माने पाते या बर्तन जैसी संरचनाएं होती हैं, यूजुअली कनेक्ट टू द माउथ कैविटी। सूंघने वाले उभार अथवा जो सेक्स होते हैं प्रायः मुख गुहा से जुड़े होते हैं, किस प्रायः मुख गुहा से इंटरनल नास्ट्रिल अथवा कोइनी के द्वारा जुड़े होते हैं। अपलरी कार्ड फ्लेसी आर लोब्ड फिन आर एयर ब्रीदिंग फेसेस, सामान्यतः इसको फ्लेसी गूदेदार अथवा लोब्ड फिन माने होता है लोब को धारण करने वाली वायु में सांस लेने वाली फेसेस कहते हैं। सार्कोपटर्गी जो है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सार्कोपटर्गी जो सब क्लास फर्स्ट सार्कोपटर्गी है, इसमें दो आर्डर है। पहले का नाम है क्रासोपटर्गी, दूसरे का नाम है डिप्नोई। क्रासोपटर्गी का एग्जाम्पल है लेटीमेरिया, लेटीमेरिया जो है लिविंग फासिल है। दूसरा है डिप्नोई, इसके अंतर्गत लंग फेसेस पाई जाती हैं। डिप्नोई डाई माने टू, ठीक है ना। डिप्नोई नोई मीन्स होता है, डिप्नोई का मतलब डबल मोड ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें जो एयर ब्लेडर होता है लंग लाइक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लंग फेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शार्ट नोट आता है। लेटिमेरिया इज द लिविंग फेसल्स, फिस फासिल है। लिविंग फासिल का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जब से धरती पर आया, जब से धरती पर आया और आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ, उसको लिविंग फासिल कहते हैं, ठीक है। तो सब क्लास एक्टिनोपटर्गी, नेक्स्ट सब क्लास है एक्टिनोपटर्गी। एक्टिनोपटर्गी में क्या है, करेक्टर्स नंबर वन, इंक्लूड्स ऑल रे फिंड फेसेस, इसके अंतर्गत सभी जो है रे फिंड फेसेस पाई जाती हैं। ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं जिसके फिन में रे पाई जाती है, रे माने लाइनिंग, जो रे जो होती है वो फिन को सपोर्ट करती है, नहीं तो फिन जो है फिन को सहारा देती है। टेल जो है प्राय हेट्रोसर्कल होती हैं। गिल स्लिट्स जो होती है अपरकुलम के द्वारा ढकी होती हैं, अपरकुलम को कहते हैं गिल का ढक्कन, ठीक है ना। स्पाइरकल माने नासा द्वारा जो है एब्सेंट होती हैं। आगे है नेक्स्ट, सब क्लास एक्टिनोपटर्गी का अगला करेक्टर है पेयर्ड फिन ब्रॉड, जो जोड़े में पाई जाने वाली फिन होती है। ब्रॉड माने बृहद होती हैं, बृहद होती हैं, विदाउट फ्लेसी बेसल लोब, जिसमें गूंदेदार बेसल लोब जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। वन डार्सल फिन, एक पृष्ठ सतह पे फिन पाई जाती है, मे बी डिवाइडेड बाई विभक्त होती है। ये हो गया सब क्लास एक्टिनोपटर्गी। सब क्लास एक्टिनोपटर्गी ग्रीक भाषा में एक्टिस बराबर होता है री, टेरिक्स बराबर होता है फिन। सब क्लास एक्टिनोपटर्गी हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री सुपर ऑर्डर। फर्स्ट वन इज नोन एज कंड्रोस्टी, सेकेंड वन इज नोन एज होलोस्टी एंड थर्ड वन इज नोन एज टीलियोस्टी। सब क्लास एक्टिनोपटर्गी को तीन सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। सो द फर्स्ट सुपर ऑर्डर कंट्रोस्टी हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू ऑर्डर। फर्स्ट वन इज द पॉलिप्टेरी फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल इज द पॉलिप्टरस। सेकेंड इज द एसिपेंसरी फार्म, पॉपुलर एग्जाम्पल इज द एसिपेंसर। इस तरह से कॉन्ड्रेस्टी को दो है दो ऑर्डर में बांटा गया है। दोनों का नाम और पॉपुलर एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। सेकेंड सुपर ऑर्डर इज होलोस्टी, होलोस्टी हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू ऑर्डर अमी फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल इज द अमिया, इसको बोफिन भी कहते हैं। सेकेंड है सेमी सीमियो सीमियोटेरी फार्म्स, एग्जाम्पल है लिपडोस्ट आर, इसको कहते हैं लिपिडोस्टी फार्म्स, एग्जाम्पल है लिपडोस्टियस। सुपर आर्डर जो है थर्ड जो है वो टीलियोस्टी है, सुपर आर्डर थर्ड जो है टीलियोस्टी है, सुपर आर्डर थर्ड टीलियोस्टी। ग्रीक भाषा में टीलियास बराबर कंप्लीट, ओस्टी ओस्टोगोन बराबर बोन, ठीक है। तो सुपर आर्डर टीलियोस्टी इंक्लूड द फॉलोइंग आर्डर, सुपर आर्डर टीलियोस्टी में बहुत सारे आर्डर पाए जाते हैं, ठीक है। पहला आर्डर है सुपर ऑर्डर टीलियोस्टी हैज बीन डिवाइडेड इंटू मेनी ऑर्डर। ऑर्डर फर्स्ट क्लोपिया फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल इज क्लोपिया। सेकेंड ऑर्डर स्केपेली फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल इज द हार्पोडानी हेरियस। ऑर्डर थर्ड साइप्रेनी फार्म्स, और इसे कहते हैं ऑस्टेरियो ऑस्टेरियो फाइसी,
तो साइप्रिनी फार्म हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू सब ऑर्डर, सब ऑर्डर फर्स्ट साइप्रिनी, सब ऑर्डर सेकेंड सिल्यूरी। सब ऑर्डर फर्स्ट साइप्रिनी का एग्जाम्पल है लेबियो या रोहू, और सिल्यूरी का एग्जाम्पल है क्लेरियस मांगूर। ठीक है, अगला है ऑर्डर फोर एंगुली फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल एंगुला। ऑर्डर फाइव बिलोनी फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल बिलोन। ऑर्डर सिक्स सिनगनेथी फार्म्स, पॉपुलर एग्जाम्पल है हिपोकैम्पस। ऑर्डर सेवन है ओफियो सिफेली फार्म्स, एग्जाम्पल है ओफियो सिफेलस या चन्ना। ऑर्डर एट है सिम्ब्रैंकी फार्म्स, एग्जाम्पल है सिम्ब्रैंकस। ऑर्डर नाइन पर्सी फार्म्स, एग्जाम्पल है एनाबॉस। ऑर्डर टेन है माइस्टा सिम्बेली फार्म्स, एग्जाम्पल है माइस्टा सिम्बेलस। ऑर्डर ग्यारह है, इलेवन नंबर है स्कॉर्पिनी फार्म्स, एग्जाम्पल है टीरोइस। ठीक है, कुछ ऑर्डर ऊपर लिख दिए हैं इसी पेज पे, देखिए मैं उसको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ऑर्डर 12 है प्लूरोनेक्टी फार्म्स, एग्जाम्पल है सिनेपचूरा। ऑर्डर 4 है टेट्राडॉन्टी फार्म, एग्जाम्पल है डायोडान। ऑर्डर 13 है इकाइनी फार्म्स, एग्जाम्पल है इकाइनिस। ऑर्डर 15 है लोफी फार्म्स या लोफियस। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास, सुपर क्लास पॉइसिस एंड क्लास फर्स्ट कॉन्टेक्थिस एंड क्लास सेकेंड दैट इज द ऑस्टेक्थिस आर बोनीफिसेस। और प्लाइकोडर्म्स थर्ड क्लास है, प्लाइकोडर्म्स के जितनी भी फिशेस हैं वो आज के डेट में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, आज के डेट में विलुप्त हो चुकी हैं। प्लाइकोडर्म के बारे में दो लाइन बता देते हैं आपको, वैसे इसका क्लासिफिकेशन इसमें आपको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लाइकोडर्म्स के अंतर्गत ये ध्यान दीजिए, प्लाइकोडर्म्स के अंतर्गत आपको बता देता हूँ, देखिए थर्ड क्लास है प्लाइकोडर्म्स। प्लाइकोडर्म्स के अंतर्गत प्लाइकोडर्म्स आर द अर्लीस्ट जाड, देखिए कितना बढ़िया लिखा है, प्लाइकोडर्म्स बेयर अर्लीस्ट जाड वर्टिब्रेट फॉसिल रिकॉर्ड। ये सिलुरियन पीरियड में धरती पर आई थी, फ्लोरिस्ट माने फूलना फलना। ये फूलना फलना इनका कब हुआ था, डिबोनियन पीरियड में और कार्बोनिफेरस पीरियड में, और बिकम एक्सटिंक्ट हो गई परमियान में। ठीक है ना, ये रहती थी फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर में भी, दोनों में रहती थी। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा इसमें बताना नहीं, प्रोबेबली एंसिस्टर ऑफ प्लाइकोडर्म। ये लिंक करती थी बिटवीन जालेस एंड जाड फिशेस, मतलब कुछ फिश मछलियाँ जिसमें जबड़े पाए भी जाते थे और नहीं भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें बताना नहीं है, क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा प्लाइकोडर्मी का है नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बर्ग ने रोमर ने किया, बाद में बर्टिन और आर्मबर्ग ने और ग्रीनबर्ग ने इसका क्लासिफिकेशन किया, इसमें कुछ है नहीं। देखिए सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं प्लाइकोडर्म के अंतर्गत मुख्यतः, देखिए प्लाइकोडर्माई हैं उनके अंतर्गत मुख्यतः आज की डेट में, देखिए प्लाइकोडर्म्स के अंतर्गत ऑल एक्सटिंक्ट जाब फिशेस पाई जाती हैं इसमें, बिलीव टू बी रिलेटेड दिस, देयरफॉर देयर इज सिंगल ग्रुप और क्लास ऑफ प्लाइकोडर्माई। एक ही सिंगल ग्रुप है, क्लास है प्लाइकोडर्माई, उनको सेपरेट क्लास बना दिया गया है एकैंथोडी, और सब क्लास आर्डर आर ऑफ क्लास प्लाइकोडर्मी आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड। दो आर्डर है आर्थो डेरी फार्म्स और आर्डर इनाटेरी फार्म्स। आर्थो डेरी फार्म्स का एग्जांपल है ये डिबोनियन पीरियड में जो है फ्लोरिस्ड हुई थी, फली फूली थी, फलना फूलना। ये अर्लीस्ट प्लाइकोडर्म है जो ऑस्ट्रेकोडर्म से बिलोंग से जो है समानता रखती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोकोस्टीरस डिनिक्थिस। एंटीकोरी फार्म्स का एग्जाम्पल है बाथ्रियोलिपिस और पेरी थायरोडस। तो दिस इज द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सुपर क्लास पाइसिस। इस तरह से वी हैव टू बी कम्प्लीटेड द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सुपर क्लास पाइसिस। प्लाइकोडर्माई को आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए, हमने थोड़ा सा इसमें बता दिया जिससे एक बहुत थोड़ी आइडिया आपको रहे, बाकी आपको यू हैव टू स्टडी ओनली द टू मेजर क्लासेस दैट इज द कॉन्टेक्थिस एंड बोनीफिसेस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।